माय चैनल पीयूष सक्सेना ऑलराउंडर, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीयू और आज मैं आपको अलग रूप में दिख रही होंगी। उसका रीज़न है शादियाँ चल रही हैं, इस समय शादियाँ चल रही, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हर तरह की शादी। तो आज मैंने बंगाली स्टाइल साड़ी पहनी है और बंगाली ही मेकअप करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब आपका अगर कहीं बंगाली जैसा है या बंगाली लुक चाहिए तो आप देखिए, इस मेकअप को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जाने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना और जल्दी फटाफट लाइक भी कर देना, अच्छा छोटू सा प्यारा सा कमेंट कर देना। तो करने जा रही हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो पहले, सबसे पहले मैंने अपना चेहरे को वॉश कर लिया अच्छे से। अभी चेहरे पे हम एलोवेरा जेल लगाएंगे। आप प्राइमर हो तो प्राइमर भी जेल लगाने के बाद प्राइमर लगाइए, और प्राइमर से पहले आप अगर जेल नहीं है तो जेल वाली कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हैं। तो मैं अच्छे से, और इसको लगाने के बाद 5 मिनट अपनी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने देंगे। अब गुलाब जल हो तो गुलाब जल भी, अगर नहीं है तो आप केवल इसी को अप्लाई करके मेकअप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पांच मिनट का वेट करते हैं, ठीक है? तो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, पूरे स्किन पे अब्जॉर्ब हो गया है। अभी मैं लगाने जा रही हूँ ओलिविया का कंसीलर। ये फाउंडेशन का भी काम करेगा, सीधे डायरेक्ट कंसीलर ही यूज़ करेंगे, ये बहुत अच्छा कवरेज देता है और ब्राइडल में भी काम आता है। चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने से पहले हमने ये ब्यूटी ब्लेंडर तैयार कर लिया है, और तैयार करने का तरीका आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको पहले पानी में डिप कर लेना होता है और अच्छे से इसका पानी बहुत अच्छे से वो करना, जितना भी डबल होगा। ये बहुत छोटा सा था, अभी ये डबल हो गया फूल के, और पानी इसका पूरा 2 मिनट पहले, आपको ये 10 मिनट पहले ही तैयारी करके रखनी होती है। पानी पूरा इसको निकाल देना, निचोड़ के अच्छे से, अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये तैयार हो गया, ठीक है? तो हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करते हैं। सेट नंबर 1 है, मैं अपने सेट से 1 नंबर नीचे लेती हूँ, मतलब ऊपर लेती हूँ, क्योंकि बताऊँगी मैं भी। हल्का सनमिक पे, अब ब्यूटी ब्लेंडर से खींचना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस इसको डिप करना है और ये बस आराम से आपकी स्किन में, आपके ही कलर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह पूरे फेस पे आप करते जाइए। बहुत ब्यूटी ब्लेंडर अपना एक्स्ट्रा भी ले लेता है, एक्स्ट्रा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ब्लेंडर अच्छा होता है ब्लेंड करने से। ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो वैसे आप देखिए पूरा सेट हो गया है, अच्छे से सेट कर लिया पूरा, और ब्यूटी ब्लेंडर से अभी ये एक सेट और नीचे चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का मेकअप है, धीरे धीरे जाएगा। थोड़ा सा हम क्रीज लाइन बनाएंगे, क्रीज लाइन बनाने के लिए ऐसे ही थोड़ा सा कंसीलर लेंगे और आँखों के नीचे उंगलियों से ये कर लेंगे, लगा लेंगे आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको, ये इस साइड से कोना पकड़ के ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से।
आंखें आपकी उभरी उभरी लगेंगी, बहुत सुंदर अच्छा सा आई शेडो तैयार, मतलब आपका आईज का मेकअप तैयार होगा ऐसा करने से। और गाइस आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, मतलब ऐसा मेकअप करने से पसीना भी नहीं आएगा, ये वाटर प्रूफ है। और दूसरी चीज थोड़ा सा लूज पाउडर से हम अपना मेकअप सेट कर लेंगे हल्का हल्का। सेट हो जाएगा तो अब हम आई शेडो लगाएंगे पीच कलर का, पूरा कॉर्नर से लेकर जब तक हमारा मन चाहा कलर नहीं मिल जाएगा जब तक हम इसे लगाएंगे। अभी रेड कलर लगाएंगे से लगा लेंगे फिर ब्रश से, ब्रश नहीं है तो ये आंखों का होता है ये पे, क्या कहते हैं इसको, कान साफ करना है। बाबू हटो तो तुम साइड, और दोनों आंख पे लगा देंगे अच्छे से। तो रेड कलर की आई शेडो कर ली है, अभी इस पे हम ग्लिटर लगाएंगे गोल्डन, टूथपिक से लेके हम किसी अच्छे से धीरे धीरे डीप कर करके लगा लेंगे पूरे में। तो अब हम लगाने जा रहे हैं लाइनर, कॉर्नर से लेंगे जितना आपको भाई, जितना आपको विग लाइनर चाहिए उतना ही लीजिएगा। एक आई इसमें लगा लेंगे पहले, नीचे भी हम यही लगाएंगे
ऑनलाइन में। थोड़ा सा ध्यान से लगाइए आंखों में लग जाए। इसी तरह इस हाथ में भी लगा लेंगे। तो गाइस दोनों हाथ में लगा लिए, अभी बारी आती कंट्रोलिंग करने की। तो हम अपना जहाँ आपकी क्रीज लाइन शुरू हो वहीं से ही कर लीजिए, बस इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। नीचे की तरफ थोड़ा स्टिकी है, हो जाएगा। तो ब्लेंड कर लिया मैंने। तो थोड़ा सा हम ब्लेसेस लगाएंगे, थोड़ा सा पिंकेस सेट लाएंगे। देखिए ये वाला नेचुरल सा, अभी मेकअप को हम दूध से सेट कर लेंगे। बस फाइनल लुक हमारा हो गया है। लिपस्टिक लगानी है फाइनल लुक अभी आपको, और अभी थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करेंगे हम, बहुत हल्का सा। यहाँ आपकी बोल्स, यहाँ की जो बोल्स दिख रही हो ना, वहीं पर ही लगाना है, जो हाईलाइट एरिया हो उधर ही लगाना है। तो बस कर लिया, अभी हम लिपस्टिक लगाएंगे। मैं मैरून का सेट लगा रही हूँ। मैंने मस्कारा लाइनर से ही मस्कारा का काम ले लिया था, थोड़ी सी एब्रो पेंसिल, क्योंकि मेरी ऑलरेडी डार्क कलर है, तो थोड़ी सी हल्की सी लूँगी, हल्की सी ही, क्योंकि मेरी है ऑलरेडी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का। तो मेकअप आप देख लीजिए, अभी मैं फाइनल लुक आपको दिखा। तो गाइज ये रहा मेरा फाइनल। तो गाइज जो ये लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन पल्ला है, इस पे आप चाबी का गुच्छा या आप की मतलब लटकन वगैरह भी बांध सकते हैं, तो अच्छा सा मतलब बंगाली वो रूप आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैंने साड़ी पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा पल्ला घूम गया है, आप देखिए
आपके सामने दिख रहा होगा। मैं घूमूंगी, टर्न करूंगी तो दिखेगा। आपके पास कमर बंद हो, मेरे पास है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और लगाया नहीं, तो कमर बंद लगा लेंगे तो बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। तो ये थोड़ा सा घूम गया था, तो इसको आप भी ध्यान जब पहनिएगा ध्यान दीजिएगा। तो बंगाली साड़ी ऐसे ही पहनी जाती है, अगर आपको पहननी हो मेरे जैसी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसी टाइप में बंगाली होती है, तो मैंने इसलिए आपको ये पहन के दिखाई है। और कमरबंद ज़रूर पहनना, तो बहुत प्यारी लगेगी। आप किसी शादी आदि में जाओगे, इधर मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखा रही थी। और सिंदूर का कलर ऐसा ही बंगाली में ऐसा ही होता है, तो आपके लिए बंगाली बनी ये बोल रही थी मैं यहाँ पर। और कैसी लग रही हो, चूड़े वगैरह नहीं पहने थे तो बस मेकअप करके ही लुक आपको दिखाना था। थोड़ा सा बंगाली साड़ी पहनने में भी गाइस इतना मतलब इतनी गर्मी आप समझ सकते हो, और इतनी हैवी साड़ी मैंने पहनी सिर्फ आपके लिए। और आप कमेंट करेंगे तो और भी बताऊंगी, थोड़ी सी जहां भूल चूक हुई हो तो वहां माफ़ करिएगा, क्योंकि हो गया मेरे समझ में नहीं आया। और देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी भी लग रही है, मैं भी लग रही हूँ ना क्यूट सी लग रही हूँ। और रियलिटी देखो तो जैसे लग भी रहा है ना बंगाली हूँ मैं, क्योंकि आई मेरी आई जो है बड़ी बड़ी है, तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी आँखों की वजह से और लग रहा होगा, लग नहीं रहा होगा, लग रही हूँ। तो ओके, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना।